आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप कृपया आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं हमारे सदस्य श्रीमान एनके सिंह राठौड़ साहब, जो श्रीमान एनके सिंह साहब उदयपुर में भेजा रहे हैं। अभी सिर्फ दो ही मिनट के अंदर अंदर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान वासुदेव जी देवरानी साहब हमारे मध्य आज उपस्थित होने वाले हैं। अभी उनसे बात हुई, वो रास्ते में है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत होना चाहिए। हमारे उदयपुर के जाने माने चेहरे श्रीमान वासुदेव जी देवरानी साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित है। सभी महानुभाव से अनुरोध है कि कार्यक्रम की विधि प्रारंभ करें। इसके लिए मां सरस्वती की उदयपुर के लिए जाने पहचाने चेहरे आलोक स्कूल के निदेशक श्रीमान प्रदीप जी कुमाऊं साहब से निवेदन करता हूं कि वे कृपया पधारे और अपना स्वागत भाषण दें। पीआईएल बैंक के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय अश्विनी जी, इसी मेवाड़ धारा से जुड़े हुए विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव जी देवनानी, समाज के हर काम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आदरणीय हरीश, हमारी इस राष्ट्र मंथन की एक ऐसी शिक्षक, न्याय के उस संकेत के रूप में सदैव साथ रहने वाले आदरणीय श्री हिमांशु राय नागौरी जी, और इस राष्ट्र मंथन के इस मंथन को वास्तव में मथने के लिए जिस रस्सी की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे विदूषक स्वाभिमान और बलिदान की गाथाएं गूंजती है। यह वह भूमि है जहां हिंदुवासु की महाराणा प्रताप का अदम्य साहस और स्वाभिमान का इतिहास लिखा गया था, जहां मीरा की भक्ति ने प्रेम और समर्पण की एक अमर मिसाल कायम की। यहाँ का हर पहाड़, हर नदी, हर मैदान, यहाँ का कण कण वीरता और भक्ति का प्रतीक है। आज हमें गर्व है कि हम इस महान भूमि के इस धरा पर आज इस विराट उत्सव में सुप्रीम कोर्ट के माननीय अधिवक्ता अश्विनी जी उपाध्याय का स्वागत करने का सौभाग्य उदयपुर वासियों को आज मिल रहा है। भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपकी उपस्थिति हमें गर्व दे रही है, हमारे संघर्ष और आदर्शों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। हम आशा करते हैं कि आपका यह प्रयास हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। हम आपके विचारों से और भी सशक्त होकर इस द्वार से जब निकलेंगे, सामने महाराणा प्रताप का चित्र लगा है, जब यहां से हम निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वो अदम्य शक्ति हमको और प्रेरित करेगी, क्योंकि हम तो प्रताप के वंशज हैं और आपके इन विचारों को सुनकर हम और आगे बढ़ेंगे। इस माटी से कर्म पथ पर पसीना बहा, संगठन में जिन्होंने जिनके साथ काम करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ, विद्यार्थी परिषद में मुझे जिनका सानिध्य मिला, इस उदयपुर में जिन्होंने अपने अपने जीवन को खपाया, कर्म क्षेत्र में रहे और एक दूसरी पारी भले ही राजनीति में आपने शुरू की, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण संगठन के कर्म अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर किए तो वो परम आदरणीय वासुदेव जी देवनानी है, जो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित हैं। आदरणीय हरीश जी न सिर्फ सिंधी समाज वरन सभी के, हम सभी जानते समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले जिनका परिचय देने का मुझे
निवेदन की गई है। मैंने थोड़ी अपनी ध्यान वर्धन के लिए कोई किया कि नाम का मतलब क्या होगा। अश्विनी जी अपने आप एक सरकार है और वास्तव में कानून के क्षेत्र में बहुत बड़ी सरकार है। आप सब वैसे उनसे भली बातें परिचित ही होंगे, इसीलिए सबसे पहले आपकी अदालत में अपनी याचिका दायर कर रहा हूँ। यदि मुझसे उनके परिचय में कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया मुझे माफी प्रदान करें। PIAL without cause is unstoppable Ashwini Upadhyay। यह वाक्य अपने आप में इनका एक बहुत बड़ा परिचय है। श्री अश्विनी कुमार उपाध्याय का जन्म 17 मार्च 1975 को फूलपुर जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। वही उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उत्तीर्ण करने के बाद इस क्षेत्र में कंपनी में कार्य आरम्भ किया। 2002 में आपने अपनी याचिका के माध्यम से उन्होंने सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना सांसद और विधायक के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला वापस नहीं लिया जाएगा। आपकी अधिकतर याचिकाएं भ्रष्टाचार विरोधी या धर्म पुष्टिकरण के खिलाफ होती है। जन लोकपाल आंदोलन के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हुए 2018 में आपने लोकायुक्त के लिए राज्य स्तरीय नियुक्त के संबंध में एक जन याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्पष्टीकरण मांगा। आपने चुनावी प्रक्रियाओं से संबंधित कई जनहित याचिकाएं दायर की है। एक जनहित याचिका में जाति धर्म समुदाय के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई। इसके अलावा आपने एक जनहित याचिका में भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों की नियुक्ति की मांग की है। आपकी एक जनहित याचिका में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को कानूनी रूप से लागू करने के योग्य दस्तावेज बनाने की मांग की है। पारिवारिक मुद्दों पर आपने महिलाओं के लिए समान तलाक कानून की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की, एक समान पाठ्यक्रम की मांग करते हुए याचिका भी दायर की। 2019 में आपने IIT प्रणाली के बाद वाणिज्यिक शहर दीमापुर में गैर नागा जातियों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। जुलाई 2022 में आपने देश के स्कूलों में समान रिस्क कोड लागू करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की। आपने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं को भी चुनौती दी है। मार्च 2022 में आपने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, जिससे जिन राज्यों में हिंदू समुदाय संख्या में कम है वहाँ उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा पाने की पात्रता होगी। अप्रैल 2022 में आपने वक्फ बोर्ड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। आपने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उसका उपयोग कानून में ऐसा करते हैं कि इनकी जनहित याचिका से अच्छे अच्छों को करंट साधन। विधानसभा अध्यक्ष पिछले 3 बार अजमेर से विधायक रहे और कई पद संभाले थे और उदयपुर में अपने आप में जाना बेहतर नाम है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं। विधानसभा अध्यक्ष श्री वास्तव कुछ ऐसी स्थिति मेरी हो रही है। हमारे देश में आज के मुख्य अतिथि वासुदेव जी देवनानी साहब विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। बगल में उनके आज के मुख्य वक्ता श्रीमान अश्विनी जी उपाध्याय विराजित हैं। तो पहले स्वागत किसका करो तो ये क्या सामने है, क्योंकि पहले घर के ही होते हैं, इसलिए अश्विनी जी उपाध्याय आप बाहर से पधारे हैं अतिथि के रूप में उनके स्वागत करने के लिए। मैं हमारे राष्ट्रमंथन के सदस्य श्रीमान पुरुषोत्तम जी, श्रीमान अभय जी लोढ़ा, कर्नल अभय जी लोढ़ा, और इनको मैं आमंत्रित करता हूं। माननीय अश्विनी जी उपाध्याय के पूरे देश भर में फैंस क्लब चलते हैं और उदयपुर भी उसे अछूता नहीं है। यहाँ पर भी उनके फैंस क्लब के सदस्य मौजूद है जो हमारे बीच में है। मैं श्री विजय जी गोदा, श्रीमती चंदा जी गोदा, श्रीमती मंजू जी बापना, निर्मल जी बापना, श्रीमाचल्य समिति के कुछ सदस्य भी मौजूद है। मैं श्रीमान दिनेश जी भट्ट, श्रीमान प्रकाश जी अग्रवाल और उनके साथी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कृपया तुरंत मंच पर पधारें और उनका ओपन राउंड। अग्रवाल समिति और वात्सल्य समिति के पश्चात सामने थोड़ा सा पीछे मैम नहीं आ रहे हैं जरा ऐसा देखे। उदयपुर में एक वात्सल्य समिति चलती है। आप दिनेश जी भट्ट पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष, प्रकाश जी अग्रवाल, धीरेन्द्र जी सचान, धारेन्द्र जी सालिया, अग्रवाल साहब
सभी आपके स्वागत के लिए उपस्थित है। हाँ भैया सामने। श्रीमान भरत जी जोशी बार एसोसिएशन संगम जी मिश्रा सेंट्रल एकेडमी स्कूल उसके संस्थापक निदेशक हमारे राष्ट्रमंडल के सदस्य श्रीमती राजश्री जी चौधरी डीन विधि महाविद्यालय श्रीमान भरत जी जोशी अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर देना पड़ेगा कुछ आपको बहुत जल्दी काम बनने वाला। हमारे बीच के आज के विशेष अतिथि श्रीमान हरीश जी राजानी साहब का ओपन राउंड आकर स्वागत के लिए श्री और इनको मोमेंटो देने के लिए श्री मनीष जी दलाल से निवेदन करता हूँ कृपया पधारे। हमारे राष्ट्रमंडल के सदस्य है चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमान मनीष जी दलाल साहब। श्रीमान एन के सिंह राठौर साहब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट इनका स्वागत अभिनंदन हो गया समझो सबका हो गया। राष्ट्रमंडल के बाकी के सदस्य है वो अपने आप को अभिनंदित मान रहे हैं और इसमें बाकी किसी का मैं अभिनंदन नहीं कर रहा हूँ, समय की अपनी सीमा है। अतिथिगण इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। समाज जीवन में हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है, कई प्रकार के विषय आते हैं, उस विषय में हमारी भी कुछ धारणा होती है और अन्य लोगों के द्वारा जो विचार व्यक्त किए जाते हैं उसके कारण से भी हमारी कुछ धारणाएं बनती बिगड़ती हैं। किसी भी विषय पर ठीक प्रकार से विचार करके और जो सही परिप्रेक्ष्य में उसका कैसे हम उसको समझें इसके लिए उस विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करके और किसी निर्णय पर पहुंचना होता है। राष्ट्रमंथन इसकी स्थापना का उद्देश्य भी यही था कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विषय आते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन से संबंधित हो सकते हैं, सामाजिक जीवन से भी संबंधित हो सकते हैं, कुछ स्थानीय स्तर के होते हैं, कुछ प्रांतीय स्तर के होते हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। हमारे खुद के विचार हमारे खुद के ज्ञान के आधार पर भी हम कुछ धारणाएं बनाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों में या अन्य वक्ताओं के माध्यम से जो जानकारी मिलती है जनमत बने ऐसा वो प्रयास करते हैं। तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, गलत संदर्भ में प्रस्तुत करना, ये की संभावना बनी रहती है या हमारी धारणा में कोई ना कोई भ्रांति खड़ी हो जाती है। फिर कोई सही पक्ष भी सामने आता है तो हमारे मन में शंका बनी रहती है कि क्या ये सही कह रहे हैं या जो पहले था वो सही है। तो ठीक प्रकार से विचार करके किसी विषय पर हमारा मत रखें, जनता के मत में भी ठीक प्रकार से परिष्कृत मत तैयार हो इसके लिए राष्ट्रमंथन की स्थापना की थी। इस प्रकार के विचार हम सबको जानकारी उदयपुर में बहुत बड़ी समस्या यातायात की है, तो यातायात के कारण अस्त। सबसे पहले मेरे राष्ट्रमंथन के सभी साथियों और उपस्थित सभी मेरे मित्रों भाइयों एवं बहनों, एक देश एक विधान के संबंध में जो सबसे बड़ा दाग था आर्टिकल 370 वो एब्रोगेट हो गया है, वो समाप्त हो गया है, ये एक संतोष का विषय है। अब आगे एक देश एक विधान के संबंध में आदरणीय उपाध्याय साहब विस्तार से विचार करेंगे। मैं आपके समक्ष तीन चार बिंदु शेयर करना चाहता हूं। पहला बिंदु है जाति आधारित जनगणना। भारतीय संविधान एक जाति वही समाज की परिकल्पना करता है, ऐसा समाज जिसमें सभी बराबर हो, कोई भेदभाव नहीं हो, समरसता हो, ऐसे समाज की परिकल्पना करता है। और
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जाति व्यवस्था, आज देखिए आप शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का जो व्यक्ति है वो अध्यापक बन सकता है और वो ब्राह्मण का काम करता है वैसे तो, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। कोई व्यक्ति जो शेड्यूल का शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का जो व्यक्ति है वो बड़ा बड़ा व्यापार करता है और जो वैश्य हैं क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं वो जूतों की दुकान भी लगा देते हैं, तेली का व्यवसाय भी कर लेते हैं। आजकल जो जाति बंधन टूट रहे हैं बिल्कुल छिन्न भिन्न हो रहे हैं, जातियां पास में आ रही है, बहुत नजदीक आ रही है और जाति केवल नाम की रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अपने राजनेता जो हैं वो जाति जाति का खेल खेलना पसंद छोड़ते नहीं, वो राजनेता जाति जाति का खेल खेलते हैं और इसी के कारण अपने समाज में समरसता नहीं आ रही है। अगर जाति का खेल नहीं खेलते ये राजनेता तो मैं सोचता हूँ कि कभी की समरसता आ जाती और ये लोग जाति भूल जाते। आप देखिए कि आजकल विभिन्न जातियों में खाना साथ में हो रहा है, इंद्रकाश मैरिजेज हो रही है, तो जाति का कहाँ प्रश्न उठता है। लेकिन अब देखिए आप बहुत सारे जो राजनेता हैं आज भारत के जो रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर्टी हैं, जमीन है, उनका बंटवारा प्रत्येक जाति को उनके संख्या के अनुपात में करना चाहिए। आप इसके परिणाम सोच सकते हैं, इसके परिणाम क्या होगा, वर्ग संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, आपसी अविश्वास और सिविल वार की स्थिति भी आ सकती है। ऐसे ये राजनेता भारत को खंडों में विभाजित कर प्रत्येक जाति को उनकी संख्या के अनुपात में देश का जो झुंझुना नहीं पकड़ाते। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर आप लोग गंभीरता से सोचें। दूसरा बिंदु और आदरणीय प्रबोध सर, हम सबको जगाने मार्गदर्शन देने के लिए अध्यक्ष आदरणीय देवनानी साहब जयपुर से और आदरणीय अश्विनी जी दिल्ली से आए। मुझे लगता है हमारे घर पे भी जब कोई आता है तो हम खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। आप दोनों के लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा खड़े होकर एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कराए, हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय देवनानी जी को प्रणाम करता हूँ, रमन सूर जी, किशोर जी पाहुजा साहब, डॉक्टर प्रदीप जी, श्रीमान हिमांशु राय जी, एनके सिंह जी, हरीश जी, अभय जी, सब कुछ हाल बुक हो चुका था, कार्यक्रम तय हो चुका था, तब तक कोविड आ गया। आज सुबह थी यहाँ पे एक बार अगर सामने जो लोग हैं सब लोग खड़े हो जाए, राजकोषर की टीम के लोग, आप लोगों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। और जो लोग अकेले आए हैं उनको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम नहीं करूंगा क्योंकि आपने वैसे ऐसे कार्यक्रम में जोड़े से आया करिए। रूप से मेरे कार्यक्रम में तो अपने बच्चों को जरूर लाया करिए, आपकी तो ऐसे जैसे तैसे निकल जाएगी। जिसके लिए खतरा है जब उस हाल में नहीं होगा वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं क्या है, कैसे है, क्या दिक्कतें आने वाली है, तो तैयार कैसे होगा। अब आप लोगों ने अपने अगले जनरेशन की सुरक्षा की ड्यूटी ले रखी है लेकिन उसको लाते नहीं तो समझेगा कैसे। आगे से मेरा आग्रह है जब भी कोई कार्यक्रम हो, आज की डेट में 15 साल के बच्चे समझदार हो जाते हैं, अगर आपका बच्चा आपके घर में नाती पोते 15 साल के उनको भी लाया करिए ऐसे कार्यक्रम, बहुत जरूरी है। आज आपका कार्यक्रम है एक देश
एक विधान। तो जैसे ही बात होती है एक देश एक विधान की, तो सबको एक ही बात समझ में आती है, क्या जोर से बोलिए, क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं नहीं, एक देश एक विधान बहुत है। जैसे एक देश एक नामकरण संहिता होनी चाहिए, एक देश एक धरोहर संहिता होनी चाहिए, एक देश एक नागरिकता संहिता होनी चाहिए, एक देश एक पुलिस संहिता होनी चाहिए, एक देश एक प्रशासनिक संहिता होनी चाहिए, वन नेशन वन एविडेंस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए, वन नेशन वन कल्चर कोड होना चाहिए, वन नेशन वन बिजनेस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन लेबर कोड होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन कोड होना चाहिए, वन नेशन वन बैंकिंग कोड होना चाहिए, वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड होना चाहिए, वन नेशन वन सिविल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन डोनेशन कोड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भारत में संविधान है, और संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको क्या कहते हैं? दुर्भाग्यवश आजादी के 75 साल बाद भी धरातल पे संविधान नहीं चल रहा, धरातल पे बहुविधान चल रहा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई कौन सी लड़ी थी? स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, कि हम भारत को स्वतंत्र बनाएंगे। स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वमर्जी वाला, न्यायिक तंत्र गुलामी वाला, पुलिस तंत्र गुलामी वाला, बिजनेस तंत्र गुलामी वाला, टैक्स तंत्र गुलामी वाला, कौन सा तंत्र अपना चल रहा है? और हम कहते हैं स्वतंत्र हैं। चलो 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, फिर 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गया, और संविधान के प्रीएम्बल पे जो पहला शब्द यूज होता है वो होता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए, ना गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, ना गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, ना गुलामी का गुलामी की पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, गुलामी की टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए, गुलामी की कर व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए? हमारा अपना। मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। आज भी नाम गुलामी वाले, और वैसे भी किसके नाम? वैसी दरिंदों के नाम, जिन वैसी दरिंदों ने हमारी माताओं बहनों का बलात्कार किया, 5,000 हमारी बहन बेटियों को एक जगह इकट्ठा करके रखा, जिसको हरम कहते थे। हरम शब्द आपने सुना है कि नहीं सुना? और जिसके पास हरम होता है उसको एक शब्द यूज करते हैं हरामी। और भारत में जो सबसे बड़ा हरम था वो अकबर का था, तो सबसे बड़ा हरामी कौन हुआ? कौन हुआ? और उस सबसे बड़े हरामी को भारत में महान बताते, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। उस सबसे बड़े हरामी के नाम पे दिल्ली में सड़क है जिसमें सांसद विधायक मंत्री रहते हैं, जिसमें कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। मैंने पीएल फाइल किया था कि भैया भारत में 1,000 गुलामी के नाम चल रहे, साल में अगर एक नाम बदलेंगे तो अगले 1,000 साल तक गुलामी के नाम बदलते रह जाएंगे, साल में 10 नाम बदलेंगे तो अगले 100 साल तक गुलामी के नाम बदलेंगे। मैंने कहा एक नामकरण आयोग बनाइए, एक नेमिंग कमीशन बनाइए, और ये वैसी दरिंदों के नाम पे जितने सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं सबको एक झटके में बदलिए। मेरी पीएल डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर भी है, और उसके ऊपर मेरा सुप्रीम कोर्ट में चल रही है डेमोग्राफी जो बदल रही है। आपके राजस्थान के अजमेर की डेमोग्राफी बदल रही है, बेवर की बदल गई, भीलवाड़ा की बदल रही, डीडवाड़ा की बदल रही, केकड़ी बदल रही है, नागौर बदल रही, सापुरा बदल रही, टोंक की बदल रही, बांसवाड़ा बदल रही, डूंगरपुर बदल रही है,
प्रतापगढ़ की बदल रही है, भरतपुर की बदल रही है, डीम की भी बदल रही है, धौलपुर की बदल रही है, गंगापुर की बदल रही है, करौली बदल रही है, सवाई माधोपुर बदल रही है, अनूपगढ़ बदल रही है, बीकानेर बदल रही है, हनुमानगढ़ बदल रही है, श्री गंगानगर की डेमोग्राफी बदल रही है, राजसमंद की बदल रही है, अलवर की बदल रही है, दौसा की बदल रही है, डुडू की बदल रही है, जयपुर बदल रही है, खैरताल बदल रही है, कोटपुतली बदल रही है, बलोदरा की बदल रही है, बाड़मेर की बदल रही है, जैसलमेर बदल रही है, जोधपुर बदल रही है, फलोदी बढ़ रही है, बारण, बूंदी, झालावाड़, कोटा, जालौर, पाली, सिरोही, संचोर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदल रही है? क्या आपके राजस्थान में कोई नहीं? और डेमोग्राफी बदल रही है नहीं बदल रही है इसको पता करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, आपको 1999 की लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट देखना है और 2024 की लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट देखना है। 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए भारत के, अपने राजस्थान के किसी भी लोकसभा की, आपको पता चल जाएगा कि आपकी लोकसभा की डेमोग्राफी कितनी बदली है और ये ठीक नहीं है। जिस चीज को बचाने के लिए महाराणा प्रताप और उनके परिवार ने इतना बड़ा बलिदान किया, जिस चीज के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज उनके परिवार ने इतना बड़ा बलिदान किया, जिसके लिए वीर सावरकर ने काला पानी खेला, जिसके लिए क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए? क्या जोर से बोलिए सर, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्या भारत में है वो चीन में नहीं है, रूस में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, दुनिया के कई देशों में नहीं, और जो समस्या भारत में वो दुबई में भी नहीं है, कुवैत में भी नहीं है, बहरीन में भी नहीं है। आपके उदयपुर में एक व्यक्ति का गला काटा गया, कटा ना हाँ, कन्हैया लाल जी और देवराज जी के परिजन आगे की पंक्ति में है, कहाँ है जरा एक बार खड़े हो जाए, मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। हत्यारों ने वीडियो भी बनाया, हत्यारों ने खुद कहा कि हाँ हमने मारा। कन्हैया लाल जी के परिवार के लोग कह रहे हैं हाँ हमारे मारा। तो जिसके घर में हत्या हुई, जिसके घर में बलिदान हुआ वो कह रहे हैं हुआ, और जिसने मारा वो कह रहे हैं हाँ हुआ, हमने मारा, और इसके बावजूद भी सजा नहीं हुई जमान। और इसकी कॉपी मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी दिया है, दिल्ली में भी कई लोगों को दिया है। मुकदमे लंबे चल क्यों रहे? इसलिए चल रहे कि हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ एंड मैपिंग कानून नहीं है। मुकदमे लंबे चल क्यों रहे? क्योंकि 100-100 गवाह चाहिए किसी को सजा दिलवाने के लिए। अरे मारने वाला कह रहा मैंने मारा, उसका वीडियो अवेलेबल है, वीडियो को चेक करा लीजिए, अगर वीडियो सही है दूसरे पक्ष की गवाही कर लीजिए, दोनों पक्षों की गवाही करके आप उसको फैसला कर दीजिए, 6 महीने के अंदर उसको उठा के फांसी दे दीजिए, बात खत्म हो गई। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, अगर कन्हैया लाल की हत्या अमेरिका में हुई होती तो सबसे पहले अमेरिका की सरकार हत्यारों के ऊपर $10,00,000 का जुर्माना लगाती। $10,00,000, दो हत्यारे थे तो दोनों पे $10,00,000। $10,00,000 का मतलब 8 करोड़ रुपए होता, यानी दोनों पे 16 करोड़ रुपए। चाहे उनका मकान बेचना पड़ता, चाहे दुकान बेचना पड़ता, चाहे कुछ भी करना पड़ता, और वो 16 करोड़ वसूल के पहला काम करती है अमेरिका की सरकार इनके परिवार को दे देती, और नो बेल, नो पैरोल और अंतिम सांस तक जेल। अगर कन्हैया लाल जी की हत्या अमेरिका में हुई होती तो लगभग 900 साल की सजा होती। आप सोच रहे होंगे 900 साल कैसे होती है? अमेरिका में 20-20 हजार साल की सजा होती है,
25,000 साल सजा होती है, गूगल कर लीजिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, फिर आपको पता चलेगा अमेरिका में 90,000 साल सजा होती कैसे। सजा इसलिए हो, सजा अलग अलग चलती। भारत में ये जो सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम, इसको बदलना पड़ेगा। जब तक जुडिशियल सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक हत्याएं होती रहेंगी। अगर कन्हैया लाल जी के हत्यारों को फांसी हो गई होती तो शायद देवराज की हत्या नहीं होती। देवराज की हत्या इसलिए हो गई कि कन्हैया लाल के हत्यारों को बेल हो गए और एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। राजू की हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारायण की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुजा की हुई, चंदन गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर्ते की, हिना तल्लेता, प्रियंका शर्मा, किशन भरवार, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, मिंदा राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोले, नेहा फयाज, नेहा कुमारा, मानसी, रूबी कुमारी, ममता देवी, रविता, अंजलि, ममता, निधि, अदिति, आद्या, अमृता, विलासा, भावना, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, एक के बाद एक हत्या होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। शांति दो ही तरीके से आती है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुनिया के जिन राष्ट्रों ने भगवान राम के भयभीत हो सिद्धांत को अपनाया, दुनिया के जिन राष्ट्रों ने भगवान कृष्ण के सठे साथम समाचरे सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, न पत्थरबाजी है, न अराजकता है, न रेल की पटरी उखाड़ी जाती है, न कोई फूंकता है, न कोई पेशाब करता है, न कोई लैट्रिन करता है, न कोई लड्डू में मिलावट करता है, कहीं कुछ नहीं करता। भारत में सारी समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है और न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। सड़ चुकी न्याय व्यवस्था। आप बताइए, आपका परिवार मार्केट में जाए और किसी की हत्या हो जाए तो क्या आपका परिवार कोर्ट में जाके बार बार गवाही देगा? क्या नहीं देगा? जब आपको पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसके बावजूद आपका परिवार गवाही देने में भय खाता है, तो कन्हैया लाल और देवराज के परिवार के समर्थन में कितने लोग कितनी बार गवाही दे पाएंगे? भारत में बहुत सारे दोषी हत्यारे बलात्कारी केवल इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि बाद में गवाह पलट जाते हैं। और गवाह, मैंने कहा ना, मैं नहीं चाहते लोग लगातार गवाही देना, नहीं चाहते बार बार गवाही पे गवाही देना। अगर हम चाहते भारत में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, और इसका मैं दूसरा एक एग्जाम्पल दिया, जो अपराध भारत में होते हैं अमेरिका, सिंगापुर, जापान में नहीं होते, और जो अपराध भारत में होते हैं दुबई, कुवैत, अरब में भी नहीं होते। आपने दुबई में सुना क्या कोई किसी का गला काट दिया हो? आपने दुबई में सुना क्या किसी ने पत्थरबाजी कर दिया हो? अरे ट्रेन दुबई में भी चलती है। आपने कभी दुबई में सुना क्या कि ट्रेन के सामने किसी ने पत्थर रख दिया हो? नहीं, भारत में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। आपको दोबारा करने में डबल सजा होती है। अमेरिका में एक व्यक्ति ने सर चुराया, 5 साल सजा, दोबारा सर चुरा लिया तो सजा हो गई 10 साल, टोटल कितना हो गया 15 साल। और जब सर चुराने वाले को पकड़ा, बोला सर चुराया क्या? बोले नहीं चुराया, तो 10 साल झूठ बोलना, कितना हो गई 25 साल, 2 सर चुराने पे 25 साल सजा, दोबारा कोई सर चुराएगा क्या वहां पे? हमारी यंग जनरेशन ड्रग में बर्बाद हो रही है और ड्रग में बर्बाद होने का मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। सिंगापुर में एक कॉलेज के सामने एक आदमी गया 900 ग्राम गांजा लेके, वहां के यंग जनरेशन में गांजा बांट रहा था, उनको गांजे की हैबिट डाल रहा था, पुलिस ने पकड़ा, मात्र 900 ग्राम गांजा और फांसी दे दी। 900 ग्राम गांजा में फांसी, यहां 9 क्विंटल गांजा मिलता तब भी फांसी नहीं होती। फॉर ऑल जस्टिस विद इन ईयर, ये मेरा सतयुग एक्ट है। और मैं सतयुग इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि भारत में लोग कहते हैं कलयुग है, ऐसे कहते हैं भाई कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। मैं पूछ रहा हूं, सिंगापुर में कलयुग क्यों नहीं भैया? जापान में कलयुग क्यों नहीं है? रूस में कलयुग क्यों नहीं है? और बाकी तो छोड़ो, दुबई में कलयुग क्यों नहीं?
जितनी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, अवैध निर्माण, पत्थरबाजी, घुसपैठ, धर्मांतरण, जितनी समस्या भारत में चल रही है, ये सारी समस्या पूरी दुनिया में है क्या? पूरी दुनिया में है नहीं। इसका मतलब पूरी दुनिया में कलयुग तो नहीं, कलयुग यही चल रहा है। अब क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने अपने, मैंने कहा ना, नाम का भारत स्वतंत्र है लेकिन हमारा कोई भी तंत्र अपना नहीं है, सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। इस गुलामी वाले तंत्र को बदलने की जरूरत है और वन नेशन वन पुलिस कोड बनाने की जरूरत है, वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाने की जरूरत है, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाने की जरूरत है। जब तक इसको हम नहीं करेंगे, जस्टिस विधिनियम लागू नहीं करेंगे और नुकसान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है ये सड़ा हुआ कानून मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने 2017 में कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं, अब तो इनकी संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। घुसपैठिए आते कैसे हैं सर? बॉर्डर पे 2000 रुपए देकर अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट होता है दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, दो डॉक्यूमेंट हो जाता है दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है 2000 रुपए देते हैं अपना क्या बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया 2000 रुपए देते हैं निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, जब 5 डॉक्यूमेंट हो गया दलाल को पकड़ते 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, जब 6 डॉक्यूमेंट हो गया फिर वोटर आईडी नाम जुड़वा लेते हैं, और जब वोटर आईडी नाम जुड़ जाता है तो जनधन खाता खुलवा लेते हैं, मुफ्त में राशन लेते हैं, मुफ्त में अनाज लेते हैं, मुफ्त में वजीफा लेते हैं, मुफ्त में मकान लेते हैं, सारी केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेते हैं। लागत कितनी आई? 15,000 रुपए, और 2 साल के अंदर 5 लाख रुपए वसूल लेते हैं। इससे बढ़िया कोई काम होगा क्या? 15,000 रुपए लगाओ 5 लाख पाओ, यह सिस्टम चल रहा है। आपने कभी सोचा यह बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत क्यों आते हैं? बगल में भूटान क्यों नहीं चले जाते? सिंगापुर क्यों नहीं चले जाते? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी दुबई क्यों नहीं चले जाते? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी कुवैत क्यों नहीं चले जाते? ये रोहिंग्या पर भारत की क्यों आते? क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, खौफ नहीं है, भारत में घुसने का खौफ नहीं है, क्योंकि भारत में जो फॉरनर एक्ट चल रहा है 1946 वाला चल रहा है, और 46 में मैक्सिमम 3 साल सजा है, मिनिमम कोई डिफाइन ही नहीं है, तो जज साहब चाहे तो 5,000 रुपए देके छोड़ दो। कानून बनाया कि भाई लिंग परीक्षण ड्राइविंग, और ये भी कानून में लिख दिया कि जहां जहां अल्ट्रासाउंड मशीन है वहां वहां स्टिकर लगाया जाएगा, लिखा जाएगा लिंग परीक्षण यहां नहीं होता है, लिंग परीक्षण करना अपराध है। ऐसा आपने देखा होगा कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन होगी हो। जानते हैं उसका फायदा क्या हुआ? एक सर्वे के अनुसार लगभग 10 करोड़ बेटियां पेट में मरने से बच गए एक कानून से। उस एक कानून से लगभग 10 करोड़ बेटियां जो पेट में टेस्ट करके मरने मानने वाले, जिनको अवॉर्ड किया जाने वाला था, अवॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि टेस्ट ही नहीं करा पाए कि लड़का है कि लड़की, तो पैदा हो गई। ऐसे ही अगर हम कानून बना दें, झूठा आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, और जहां जहां आधार बनता है वहां बड़ा बड़ा ऐसे लिखवा दे, झूठा आधार बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 साल सजा होगी। बनाने वाला बनाएगा क्या? बनवाने वाला बनवाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। जहां जहां आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में, वहां लिखा रहे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। बनाने वाला बनवाएगा या बनाने वाला बनाएगा? जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, जहां जहां जो डॉक्यूमेंट बनता है वही बड़े बड़े स्टीकर पे लगा दिया जाए ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, तो मैं ये नहीं कहता 100% रुक जाएगा, कुछ साहसी लोग हैं तब भी उसके बाद भी बनवा लेंगे, लेकिन 80-90% कम हो जाएगा कि नहीं? इसके पहले की सरकारों ने बॉर्डर पे कोई काम ही नहीं किया, खुला छोड़ के रखा। चलो उनकी मंशा थी कुछ और, भाई सारे बांग्लादेशी भारत में आ जाए। वर्तमान सरकार ने शुरू किया बॉर्डर पे बनवाना, लेकिन 4,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, वो भी जिगजैग है, नदियां पहाड़ियां जिगजैग है। अगर हमें कानून बना दे भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, ये गंभीर अपराध है, इसमें 10 से 20 साल सजा होगी। तो बॉर्डर तो बाद में बनेगा, कम से कम हम 1-1 किलोमीटर पर बड़ी बड़ी होर्डिंग तो लगा ही सकते हैं ना।
कि भारत में प्रवेश करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पर 10 से 20 साल सजा होगी, और 4000 किलोमीटर के बॉर्डर पे वो 4000 बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दे बंगला में लिख के, क्योंकि उधर वाले बंगला भाषा बोलते हैं, बंगाली में लिख के। कुछ तो खौफ होगा कि नहीं होगा? मैं फिर से कह रहा हूं, भारत बहुत बड़े खतरे में चल रहा है, ऐसे खतरे में चल रहा है जिसको हमने सोचा नहीं है, हम सोच भी नहीं पा रहे, और खतरा है। मेरी चिंता का यही कारण, जुलाई 2024 में बांग्लादेश वालों ने सोचा था कि अगस्त में क्या होने वाला है वहां, जोर से बोलिए, दिसंबर 1989 में कश्मीर वालों ने सोचा था क्या कि जनवरी 1990 में क्या होने वाला, जुलाई 1947 में देवनानी जी के परिवार ने सोचा था क्या कि अगस्त में 1947 अगले महीने क्या होने वाला है? नहीं। मैं इंजीनियरिंग छोड़ के जब लामे आया तो सर मुझे लकली जेठमलानी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने जेठमलानी जी से फिर पूछा कि सर वो आपको कब पता चला भागना पड़ेगा, उन्होंने हमसे उल्टा पूछ दिया कि तुम्हें अगर 24 घंटे पहले पता चल जाए कि भागना पड़ेगा तो तुम क्या क्या करोगे? तो मैंने कहा सर जमीन वमीन का सौदा कर लूंगा, जो बैंक वैंक में रखा है उसको ले लूंगा, सोना चांदी ले लूंगा, जो कुछ है अपने घर में जितना पैक कर सकूंगा पैक करूंगा लेके भागूंगा। बोले मैं 10 रुपए लेके आया था, अब तुम सोच सकते हो हमको कितनी देर पहले पता चल, बुरा बन जाएगा। संविधान का आर्टिकल 28 कहता है ये रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, वेद को भी रिलीजियस किताब मान लिया, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है, धर्म जोड़ता है रिलीजन तोड़ता है। एक मेरी पीआई चल रही धर्म और रिलीजन के ऊपर, आर्टिकल 28 आज मैं इस वीर भूमि से फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 28 रिलीजियस किताब पढ़ाने से मना करता है, यानी बाइबल और कुरान पढ़ाने से मना करता है, वेद कुरान उपनिषद भगवत गीता रामायण पढ़ाने से मना नहीं करता। हमें रिलीजन जस्टिस विद रिलीजन सिखाता है, धर्म यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी सिखाता है, रिलीजन फ्रेटर्निटी अमंग रिलीजन सिखाता है। यह अंतर धर्म और रिलीजन का, धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है रिलीजन नहीं, धर्म सर्व मंगल मांगल्य सिखाता है रिलीजन नहीं, धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है रिलीजन नहीं, धर्म जननी जन्म भूमिष्ठ सिखाता है रिलीजन नहीं। धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर है, लेकिन चूंकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की पढ़ाई लिखाई भी कार्मेल की रही, उनके दादा परदादा अंग्रेजों के समय से जिस उस समय अपने कॉन्वेंट स्कूल में से पढ़े, उन्होंने रिलीजन को धर्म समझ लिया, धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर समझा नहीं, और नतीजा ये क्या हुआ, हमारे यहाँ आदरणीय देवनानी जी जब शिक्षा मंत्री थे तो मैं भी चर्चा कर रहा था, उन्होंने भगवत गीता यहाँ पे शुरू किया, लेकिन मेरा ये कहना पूरे देश में होना चाहिए, और इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी है कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करना चाहिए, भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, भगवत गीता को सारे स्कूल में अनिवार्य करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं देश की एकता अखंडता मजबूत हो, समता समानता हो, लोगों के पंथ भले अलग आए लेकिन सबकी सोच एक जैसी हो, लोग एक दूसरे से नफरत न करें, एक ही तरीका है, 10वीं तक भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, समान शिक्षा होनी चाहिए, यानी एक देश एक विधान की में एक देश एक शिक्षा संहिता होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, यही तरीका है, क्योंकि पेट में न कोई हिंदू होता है, न मुसलमान, न पारसी, न ईसाई, पेट में न कोई ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न दलित, पेट में सब एक जैसे होते हैं, जो कुछ होते हैं पेट से निकलने के बाद होते हैं, जब पेट से निकलने के बाद सबकी किताब एक होगी, पेट से निकलने के बाद सबकी शिक्षा एक होगी, तो सबकी सोच एक होगी, और जब सोच एक होगी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में मजबूती आएगी। इसलिए मेरा मानना सबसे पहले समान शिक्षा होनी चाहिए। अब उसके बाद हंगामा शुरू हो चुका है, मैंने 2020
20 में इसमें पीआईएल फाइल किया था वर्णेश्वर वन लक्षण के ऊपर, और जब इसमें रिसर्च कर रहा था तो पता चला दुनिया के 48 देशों में वर्णेश्वर वन लक्षण है। दुनिया में 100 डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें से 48 कंट्रीज में वर्णेश्वर वन लक्षण होता है। अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजील, बुल्गारिया, कोलंबिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्वीडन, इलेक्शन ठीक है, नानी के यहां नेशनल इलेक्शन चलेगा लेकिन भारत में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों से हम खबरदार रहे, वन नेशनल इलेक्शन से बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ी बात वोटिंग का परसेंटेज बढ़ जाएगा, अभी एक साल पार्षद, अगले साल प्रधान, अगले साल विधानसभा, अगले साल लोकसभा, 5 साल में एक बार चुनाव होगा, छुट्टी लेना पड़ेगा, मान लो कहीं बाहर रहते हैं उदयपुर आना पड़ेगा, भाई 5 साल में एक ही बार उदयपुर चलना है, चलो अपने घर चलते हैं, सबसे मिल भी आएंगे और वोट भी दे आएंगे। 5 साल में एक बार बॉम्बे, जो बॉम्बे में रहते हैं बिहार के लोग या कलकत्ता के लोग, असम के लोग, उनको एक बार बिहार जाना आसान है लेकिन बार बार जाना मुश्किल है। इसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन से मुफ्तखोरी खत्म होगी। अभी हर इलेक्शन के पहले मुफ्तखोरी का योजना शुरू हो जाती है, खटाखट, ऐसे होगा 5 साल में एक ही बार खटाखट होगा, अभी हर साल होता रहता है, इसमें खटाखट से मेरी चीजें चल रही है रोकने पे, खटाखट रोका जाए। वन नेशन वन इलेक्शन से काला धन कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, ये जो शराब पार्टी जाती है उसका खेल भी कम होगा, समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, चुनाव के बाद जो हिंसा होती है वो हिंसा एक ही बार होगी 5 साल में, अभी तो हर साल हिंसा शुरू हो जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन, सांसद विधायक भी अपना काम करेंगे, अभी क्या हो हर साल उनकी ड्यूटी लगी रहती है, सांसद है, विधायक है, मंत्री, लेकिन चुनाव में ड्यूटी लगी रहती है, बैठक होगी, ये तो हमारी खबर पालिका है ना, मीडिया के लोग, क्योंकि ये चुनाव, इनको चुनावों में बड़ा मजा आता है, 4 लोगों को इधर खड़ा कर दिया, गुटर गु लड़ा रहे। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो भाई 5 साल में 2 महीने चुनाव में चर्चा होगी, बाकी क्या चर्चा होगी, तो बाकी इलेक्शन रिफॉर्म में चर्चा होगी, पुलिस रिफॉर्म में चर्चा होगी, जुडिशियल रिफॉर्म में चर्चा होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में चर्चा होगी, टैक्स रिफॉर्म में चर्चा होगी, लेबर रिफॉर्म में चर्चा होगी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में चर्चा होगी। मेरा ये मानना है वन नेशन इलेक्शन बहुत जरूरी है, इसको करना चाहिए, लेकिन इसमें 2-4 चीज और हो जाए तो अच्छा है, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। कम से कम ऐसा तो नहीं हो कि जो आदमी होमगार्ड नहीं बन सकता वो होम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो क्लर्क नहीं बन सकता वित्त मंत्री हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो शिक्षक नहीं बन सकता वो शिक्षा मंत्री हो जाए, इतना तो नहीं होना चाहिए, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम एज लिमिट हो। पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर डिक्लेयर किया जा सकता है, हमको हमारे तो अनिवार्य किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए, तो एक देश एक विधान में सबसे जरूरत है एक देश एक चुनाव संहिता की। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग जो दान करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी करते हैं या दूसरों की करते हैं? जोर से बोलिए जरा। मान लो आपको पैसा दान करना है तो जो आपने कमाया है उसको दान करेंगे या दूसरे की पॉकेट मार के जाके दान करेंगे? कमाया हो दान करेंगे। जमीन दान करना है तो अपनी वाली दान करेंगे या तलवार के दम पे किसी की कब्जा करके उसको दान कर देंगे? जोर से बोलिए जरा। जिसको दान कहते हैं उसी को वक्त कहते हैं। वक्त दान एक ही चीज, अलग अलग नहीं है। अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं, हिंदी में दान कहते हैं, उर्दू में उसको वक्फ कहते हैं। संविधान में काम का बंटवारा है सिविल सेवक, उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो लिस्ट 3 है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके एंट्री नंबर 28 में लिखा हुआ है चैरिटी इंडाउमेंट। इसका मतलब भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए और यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। हिंदी में कहें समान दान संहिता होनी चाहिए और समान धर्मस्थ संहिता होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। वक्स वो प्रॉपर्टी की जाती हो जो पुस्तैनी प्रॉपर्टी हो,
अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो, वक्फ वो प्रॉपर्टी की जाती हो जो जायज हो, वक्फ उस प्रॉपर्टी को किया जाता है जो नेक तरीके से कमाई गई हो, जो हदीसों में लिखा हुआ है, अपनी जमीन हो, पिता की जी की जमीन हो, नेक नियति से कमाई गई हो, ईमानदारी मेहनत से कमाई की गई हो, उसको आप दान कर सकते हो, वक्फ कर सकते हो। वक्फ शब्द 1300 साल पुराना है, दान शब्द हजारों साल पुराना, और हमारे देश में दान तो देहदान तक होता रहा है, एक से बढ़कर एक हमारे ऋषि मुनि अपनी देहदान भी कर चुके हैं। अगर आप हदीस की जो वक्फ जहां लिखा हुआ है, कुरान में तो कहीं लिखा नहीं है, हदीस में लिखा हुआ है, उस डिफिनेशन के हिसाब से बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, ऐबक, लोधी को वक्फ करने का अधिकारी नहीं, क्यों? क्योंकि भारत में न उनकी कोई पुश्तैनी जमीन थी, न भारत में उन्होंने ईमानदारी मेहनत से कोई जमीन कमाई। उन्होंने केवल तलवार के दम पे कब्जा किया, और हदीस कहता है वक्फ पाक होना चाहिए, नेक होना चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए, यानी मेहनत ईमानदारी से कमाई गई जमीन होनी चाहिए। तो बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी को तो वक्फ का अधिकारी नहीं भारत में। अब आए उनके बाद उनके नवाब, उनके निजाम, उनके जमींदार, उनके जागीरदार। तो वक्फ की डेफिनेशन के हिसाब से निजामों, नवाबों, जमींदारों, जागीरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो मुगल आए थे, उन्होंने जगह कब्जा किया और 20-30 गांव केवल उसकी वसूली करने के लिए उन्होंने नवाबों को बांट दिया था, उनके नार के दम में उन्होंने हड़प्पा तलवार के दम पे बांट दिया। तो यानी नवाबों, निजामों को भी वक्फ का अधिकार नहीं था। 1950 में जो आंकड़े कहते हैं कि टोटल वक्फ के पास 50,000 एकड़ जमीन थी, आज की डेट में कितनी हो गई? 10,00,000 एकड़। सच्चर कमेटी ये कहती है कि मुस्लिम्स की हालत, भारत में जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, उनकी हालत हिंदुओं से भी खराब है। मैं कन्वर्टेड हिंदू शब्द यूज करता हूं क्योंकि भारत में 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू हैं, यहां 1% है बाहर। और ये कन्वर्टेड हिंदू मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में भी भारत के मुस्लिम्स को कन्वर्टेड हिंदू ही कहते हैं, वो उनको मुस्लिम बोलते ही नहीं। तो कन्वर्टेड हिंदू जब गरीब है तो फिर दान कैसे कर रहे? भाई जिसके पास खुद ही 2 बीघे जमीन है वो दान करेगा क्या? वो जमीन दान करेगा क्या? नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में 1% जो मुस्लिम्स हैं वो वास्तव मुस्लिम है, बाकी 99% कन्वर्टेड हिंदू है। 1% में कौन है? बुखारा से आने वाला बुखारी फैमिली, मदीना से आने वाली मदनी फैमिली, ईरान से आने वाली एक हैदराबाद में फैमिली है, एक फैमिली आई हुई है अफगानिस्तान से, वो भी हैदराबाद में है। तो आपको हर शहर में 1-2 फैमिली मिलेगी जो वास्तव में बाहर से आए, अदरवाइज सारे यहीं पे, कोई यादव था, कोई पटेल था, कोई शर्मा था, कोई त्यागी था, कोई गुजर था, कोई जाट था, कोई कुछ था, वो कन्वर्ट कर दिया गया तलवार के दम पे। अब एक सवाल ये भी बनती है कि जमीन पाक होनी चाहिए और हिंदू होते हैं नापाक, तो जो आदमी खुद ही नापाक है उसकी जमीन पाक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए ना। भाई जो आदमी खुद, आप नापाक हो, आपकी जमीन पाक कैसे हो जाएगी? आपकी जमीन भी नापाक, आप हर तरीके से नापाक, आप नेक नहीं हो, आप ईमान वाले नहीं हो, आप हो नापाक, आप हो काफिर, तो आपकी जमीन पाक कैसे होगी? आपकी जमीन जायज कैसे होगी? इसका मतलब ये तो 950,000 एकड़ से 10,00,000 एकड़ हुई है, वो जो जमीन की गई वो भी वक्फ के लायक नहीं। मोदी जी जो 2024 में बने हैं उसके बाद से अब तक सारी योजनाओं में 35% मिलता है कन्वर्टेड हिंदुओं को। आप कन्वर्टेड हिंदुओं को 35% मिलता है, इसका मतलब वो तो गरीब है, तो जो गरीब है वो दान करेंगे नहीं। जानते हैं कि जमीन कौन सी है? ये जमीन है नदियों के किनारे की जमीन, सड़कों के किनारे की जमीन, ये खेल का मैदान, ये ऊसर जमीन, ये बंजर जमीन, ये गोचर जमीन, ये पहाड़ियाँ, ये हाईवे के किनारे, ऐसे ही जमीनों को ये वक्फ बोर्ड, इसको उसने वक्फ डिक्लेयर कर दिया
और डिक्लेयर क्यों कर दिया, क्योंकि 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया था वक्त पे, उसको बाद में बदला इंदिरा जी ने, उसके बाद में 1995 में कानून बना और ये कानून आज चल रहा है। इस कानून में इतनी अनलिमिटेड पावर है, आज अगर ये कह दे इस हॉल में जहां आप बैठे हैं विवेकानंद सभागार में, ये भी वो अपनी प्रॉपर्टी है, तो आप इसकी नोटिस को उदयपुर की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको जयपुर जाना पड़ेगा, वक्त कोर्ट के वक्त ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, वक्त कोर्ट जाना पड़ेगा, उदयपुर में इसका कोई समाधान ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उस कानून उस नोटिस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उसके लिए उनको वक्त ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, वक्त कोर्ट में जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन को अगर डिक्लेयर कर दे तो राष्ट्रपति भवन के अधिकारी भी इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको भी जाना पड़ेगा। इसलिए इस कानून को हमने चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को। इसलिए मैं कहता हूँ ये वक्फ एक्ट अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाना चाहिए, समान दान संहिता, समान धर्मस्थ संहिता, समान संपत्ति संहिता। एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान मांग रहा है। सवा 3 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं।
जैसे मोरक्को 3 करोड़ है, 3.25 करोड़, और भारत में 3.25 करोड़ हर साल बच्चे पैदा होते हैं, भारत में हर एक मोरक्को हर साल पैदा हो जाता है। आपके पेरू 3 करोड़, अरब 3 करोड़, यानी हर साल एक अरब भी पैदा हो जाता है, कैमरून 2 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 2.5 करोड़, कोरिया 2.5 करोड़, सीरिया 2.5 करोड़, कजाकिस्तान 2 करोड़। अगर आप ध्यान से देखिए तो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, पहला है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सपोजर। 2% हमारे पास जमीन है दुनिया की, 4% हमारे पास पानी है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है ना, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं, क्योंकि 90,000 बच्चे पढ़ने पैदा हो रहे हैं और 90,000 में से 55,000 गरीबी रेखा के नीचे पैदा हो रहे हैं। 90,000 पढ़ने का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे पर ही है। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं, 2 करोड़ स्वरोजगार डेवलप करती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाता है। नतीजा क्या है? भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, प्रदूषण। अगर भारत की समस्याओं की वाईफाई नसीज करिए तो भारत की 50% समस्याओं का रूट कार जनसंख्या विस्फोट है। प्रदूषण, सड़क में भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, हर जगह भीड़ ही भीड़। और भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, कि भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। यह संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 28 में लिखा हुआ। और 50% समस्याओं का रूट कार्ड नहीं है। एक जनसंख्या संहिता नितांत आवश्यक है, उसके बिना भारत में आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब तक करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका नहीं जाएगा, तब तक भारत की समस्याओं का समाधान करना मुश्किल है। इसलिए एक देश एक जनसंख्या संहिता लागू करना नितांत आवश्यक है। दुनिया में पहली बार पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, मानव इतिहास में सबसे पहली बार पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी भगवान श्री राम ने लागू किया। वाल्मीकि रामायण इसका वर्णन है उत्तरकांड में। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, गुरु सीता सुंदर जाए और कुछ वेद पुराण का है। आप कल्पना करिए उस समय जब बहुविवाह की प्रथा थी, लोग विवाह किया करते थे, खासतौर पर जो बड़े राजा हुआ करते थे वो तो 2-3 विवाह किया करते थे। उसका बड़ा कारण ये नहीं कि उनको रखना था, तुम इसलिए करते थे, राज्यों से संबंधों के कारण भी करते थे। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक किया, शत्रुघ्न जी ने एक किया। तो पहली बार एक पति एक पत्नी का नियम इस मानव इतिहास में, इस पृथ्वी पे भगवान श्री राम ने किया है। मानव इतिहास में सबसे पहले 2 चाइल्ड नाम भगवान श्री राम लेके आए, और भगवान श्री राम के 2 बेटे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे और शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। यहां इतिहास में मानव इतिहास में सबसे पहली बार समान शिक्षा व्यवस्था राजा रघु ने के आए, जो भगवान श्री राम के परदादा लगते थे, दोनों एक स्कूल में पढ़े थे। और ये व्यवस्था बहुत आगे तक चली। कृष्ण राज परिवार, सुदामा गरीब परिवार, एक साथ पढ़े, एक स्कूल में पढ़े। तो भारत में, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ऐसे करीब 20 कानून बनाना पड़ेगा, तभी भारत स्वतंत्र होगा, तभी भारत संप्रभु होगा, तभी भारत सबल बनेगा, तभी भारत सशक्त बनेगा, तभी भारत सुरक्षित बनेगा, तभी भारत समावेशी बनेगा, तभी भारत सबल बनेगा। नहीं तो
जो समस्याएं चल रही हैं ये ठीक नहीं है। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए आपने सुना। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। हिंद जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।